ओह हेलो धैर्य जी, थैंक्स हाय फॉर ज्वाइनिंग अस एट सच अ शॉर्ट नोटिस। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू। हाय अभिलाष, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम धैर्य। सो यू गाइज नो ईच अदर, दैट्स ग्रेट। यस, वी वर एक्स एस्पिरेंट्स। एक्स एस्पिरेंट्स, स्मॉल वर्ल्ड। प्लीज कम सिट डाउन। सो टुडे वी हैव ओनली वन एस्पिरेंट, जस्ट लाइक यू गाइज हेल्पिंग आउट एट द लास्ट मिनट। दिस एप्लीकेंट ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर this interview at the last minute possible, which is basically poor planning, but we'll let it pass. Anji, namaskar Vijendra ji, big fan. Main hamesha chahta tha interview dunga, to aap hi karunga. Before you enter the room, you should knock first. Aapko pata tha na main aane wala hu. I suppose interview dena aapka style nahi hai. Dhairya rakho ma'am, interview leke to dekho. Entry to achhi hai, lekin baithne ka tarika thoda casual hai. Yahi to sunna tha mujhe aapse, isi cheez ka to fan hu main. See, this is a professional interview. Please do not get too comfortable. Anyway, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है? वैसे तो हिंदी पर अभी सर कह रहे हैं कंफर्टेबल नहीं होना, तो ठीक है, तो हम हिंदी में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। आपको कंजक्टिवाइटिस है क्या? नहीं तो गूगल्स उतार लीजिए। ओह सॉरी जी। सो धैर्य जी, प्लीज स्टार्ट द इंटरव्यू। थैंक यू विजेंद्र सर। सो मिस्टर अनुभव, आप हमें ये बताइए कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? मैम मुझे लगता है मैं IAS हूँ, मुझे बस वो माहौल नहीं मिल रहा है जहाँ मुझे बस काम स्टार्ट करना है अपना। अच्छा, आपका मेंस में क्या स्कोर आया था? वो दिया नहीं मैंने। I'm stunned. Clearly आप एक कॉमेडियन हैं। थैंक्स सर। चलिए एक जोक सुनाइए। मैं एक्चुअली ऐसे जोक्स नहीं सुनाता सर, मैं किससे सुनाता हूँ, अपनी लाइफ से इंस्पायर होके। तो आप शो पे आइए कभी, मैं सुनाता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपकी लाइफ एक चुटकला है। वैसे आप मेरठ से हैं? जी। मेरठ के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स, कुछ किस्से सुनाइए। यही तो भसड़ है ना सर मेरे साथ, मैं सारे किस्से जो है शो में सुना देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो फिर शो में कुछ करने लायक नहीं बचेगा ना। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम प्रोफेनिटी अनुभव। सर हिंदी की बात हुई थी। आप लोग पूछिए। सो यू गो फर्स्ट। नो सॉरी प्लीज, नो यू गो। सो ऑफिसर्स, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए ना, आप दोनों के बीच में क्या टेंशन है? सो मिस्टर बसी, यहाँ पे लिखा है कि आपने लॉ किया है जी, तो सपोज आपका फ्रेंड गिल्टी है, क्या आप उसको फिर भी रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो आप ही की वीडियो से सीखा है ना हमने कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पर आप रहने दो, हमें सबको बताइए कि आपके लिए दोस्ती थोड़ा टची टॉपिक है। धैर्य, यू गो नेक्स्ट। सो मिस्टर अनुभव, माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया का टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा था? आता है मुझे K2। दैट्स इनकरेक्ट। दुनिया का टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट ही था, वो डिस्कवर लेट हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीटिंग है, ये ट्रिक ट्रिक क्वेश्चन खेल रहे मेरे साथ। मैं एक सवाल पूछता हूँ। पूछो। अभी आपने रिसेंटली एक मूवी की है जी, कांग्रेचुलेशन ऑन दैट। थैंक यू सर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे बताइए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तीन मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी है? सर एक तो ये लोग 8-8 घंटे मेकअप हेयर करके बिठा देते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। दूसरा मुझे लगता है डाइटिंग, मेरे से होती नहीं है, बहुत डाइटिंग करनी पड़ती है एब्स एब्स बनाने के लिए। और तीसरा दिन का शूट करते हैं लोग, सुबह 5-5 बजे शुरू कर देते हैं, वो तो कोई तरीका नहीं है ना, मेरे से नहीं होता। बसी हाँ जी, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मत गिनाइए। आई वाज थिंकिंग इन जनरल टर्म्स लाइक नेपोटिज्म। सर अभी तक एक लीड रोल नहीं मिला, उससे पहले इंडस्ट्री से निकलवा दोगे आप? खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आपका UPSC का एग्जाम क्लियर ही नहीं होता तो आप क्या करेंगे? मतलब यही किस्से कहानियां वापस से सारी इकट्ठी कर लूंगा, फिर से एक नया स्टैंड अप स्पेशल लिख दूंगा, Amazon Prime Video को भेज दूंगा। आई एम स्टंड। बसी, आपके लिए मेरे पास बहुत सारे सजेशंस हैं, लेकिन टाइम केवल 2 का है। टू बिगिन विद, आपको जरूरत से ज्यादा फ्रैंक है। थैंक्स। एंड दैट्स नॉट इन अ गुड वे। पर्सनालिटी पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई थिंक आपको प्रिपरेशन की काफी जरूरत है अभी। अगले अटेम्प्ट से पहले एस्पिरेंट का season 1 रिवाइज कर लीजिए और प्राइम वीडियो पर season 2 भी देख लीजिए। ठीक है, देख के आता हूँ। देख के आता हूँ मतलब ये दोबारा आएंगे?